इस शख्स को देख रहे हैं ना, इस शख्स को देश से प्रेम नहीं है, इसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसने राष्ट्रगान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, राष्ट्रगान का मजाक बनाया है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक राष्ट्रगान बजाकर अश्लील डांस करता हुआ साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसका दोस्त भी वहां मौजूद है, लेकिन उसने इसे रोकने की बजाय हंसना शुरू कर दिया, जो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। राष्ट्रगान की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले शख्स का नाम है रुहुल और हंसने वाले शख्स का नाम अदनान है। वीडियो के वायरल होते ही बाबा की पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और चाबुक चलाना शुरू भी कर दिया। उसके बाद ऐसा चाबुक चला कि नाचने वाले का अंदाज ही बदल गया, सारी हेकड़ी तुरंत निकल गई और अब ये भागा भागा फिर रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी के दोस्त जो ईदगाह का रहने वाला है उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि ईदगाह का ही रहने वाला मुख्य आरोपी रुहुल अभी फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद हिंदू संगठन के अधिकारी दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे रोड थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने इस पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश बता डाला। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए बोल भी डाला कि जो लोग राष्ट्र और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो देश छोड़कर जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग भी की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रगान का सम्मान न करने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।